और एक बार सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ दिल खोल कर जयकारा लगाइए। बाबा गबी साहब की, बाबा गबी साहब की, माता खेड़ा की, भाट माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत ही आदर मान सम्मान के बाबा गबी साहब धाम के मान श्री अजय गिरी महाराज जी और नगर परिषद चेयरमैन श्रीमती मुकेश मेहता जी, नगर परिषद प्रधान श्री उप प्रधान शशिकांत शर्मा जी और संस्था के हमारे नरवाना की जो सभी जानते हैं कि जो हमारे नरवाना की बिल्कुल जो शान कही जाते हैं सूर्य नरवाना कॉलेज से भी राज भी कोई नरवाना का कोई बच्चा से लेके कहीं भी किसी भी तरह एक बात जाए तो हमारे मेरे भाई और हमारे टाइम समय समय से मार्गदर्शन करने श्री जगदीप डांडा जी जो IAS हैं सीनियर अधिकारी और विभाग के अधिकारी सीनियर DME श्री अरविंद कुमार जी, ADME श्री अभिषेक कुमार जी, DSP श्री अमित भाटिया जी, प्रोफेसर श्री रमेश जी, भाजपा जिला महामंत्री श्री जगदीप सिंह डाणा जी, भाजपा नरवाना मंडल अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा जी, भाजपा गाना मंडल अध्यक्ष श्री अमित ठाकुर जी, भाजपा दमकान मंडल अध्यक्ष श्री मनदीप चहल जी, श्री संजय चौधरी जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, स्टेशन अधीक्षक श्री रणधीर सिंह नैन जी और नैन खाप के हमारे जाने माने बहुत ही प्रवक्ता श्री रघुवीर नैन जी और सभी रेलवे कर्मचारी गण वे आए। शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है, शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है।
इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा